मुंबई में कल गेटवे ऑफ इंडिया आजादी के जश्न का गवाह बना। 75 साल पहले 28 जनवरी को ही अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी गेटवे ऑफ इंडिया से ब्रिटेन रवाना हुई थी और हिंदुस्तान से गुलामी का आखिरी निशान भी मिट गया था। गेटवे ऑफ इंडिया पर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न बड़े ही रंगारंग अंदाज में मनाया गया है। तिरंगे से सजा गेटवे ऑफ इंडिया ऐतिहासिक स्मारक पर आजादी की वीर गाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज धडले जिथे आज आहे त्याचे गौरव गान। मुंबई ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों को इस अंदाज में याद किया। महाराष्ट्रात भयंकर उल्था पालथीचा भीतीदायक काळ सुरू झाला। खिलजी वंशाचा आक्रमक शासक अलाउद्दीन खिलजी यांनी यादवांच्या देवगिरीवर हल्ला चढवला। अठ्ठाईस फरवरी 1948 को अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी मुंबई के इसी गेटवे ऑफ इंडिया से ब्रिटेन वापस लौटी थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर इस लेजर शो के जरिए कल उस ऐतिहासिक पल को याद किया गया। स्वराज्य आणि स्वातंत्र्याच्या किरणांनी उजळले होते अगणित भारतीयांचे चेहरे आणि त्याच्या गालांवर स्वातंत्र्याचे आनंदाश्रू पाहत होते करोडो भारतीय। 28 फरवरी 1948 का दिन जब ब्रिटिश का आखिरी ट्रूप अपने घर की ओर ब्रिटेन लौटता है, मगर उसकी जो झलक है वो इस बिल्डिंग से आती है। ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से ही जो है वो अंग्रेजों का लास्ट ट्रूप अपने घर की ओर विदा हुआ था। और इसी तरीके से 28 फरवरी के दिन जितने भी शहीद थे जिन्होंने भारत की रक्षा की और भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया, उनको इसी तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है। आई जिजाऊ सांगू लागल्या शिवबाला भारत भूमीचा शौर्य गाथा, रामायण, महाभारत आणि कित्येक वीरांच्या कथा। इस लाइट एंड साउंड शो में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा दिखाई गई। आणि मराठी मातीची शपथ घेतो, यापुढे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना हेच माझ्या जीवनाचे लक्ष्य आहे आणि आई जगदंबेच्या कृपेने मी ते मिळविनच मिळवेन। आमचा संकल्प आहे स्वराज्य आणि केवळ स्वराज्य। आजादी के लिए मराठी वीरों के योगदान को सराहा गया। आजादी के बाद मुंबई के देश की आर्थिक राजधानी बनने की कहानी को भी प्रदर्शित किया गया। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस स्वराज उत्सव का समापन हुआ। तो निकालो जो दुश्मन अंधेरा है, काला अंधेरा, तो उसको तुम आग लगा दो। मिट्टी यही मांगे बरसों से बाकी है, कर्ज चुका दो जरा। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज़ टुडे।